नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंग्लैंड ने गुरुवार को 5 बार के क्रिकेट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को एल्बिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में 8 विकेटों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में जगह बना ली है। वही मैच के दौरान ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व कप्तान ट्विटर पर आपस में भिड़ गए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट के बीच हुई इस तीखी बहस में दोनों ने एक दूसरे को जमकर खींचा। इस बहस की शुरुआत माइकल वॉन के एक ट्वीट से हुई। भारतीय टीम का आईसीसी विश्व कप से बाहर जाना सभी के लिए हैरानी वाली बात थी। इस अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय टीम मैनचेस्टर में ही फंस गई है और टीम यहां रविवार तक रहेगी। दो पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ियों अमेरिका की सेरेना विलियम्स और रोमानिया की सिमोना हालेप के बीच साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन का महिला एकल वर्ग का फाइनल खेला जाएगा। यह खिताब भिड़ंत शनिवार को होगी। इंग्लैंड वेल्स में जारी आईसीसी विश्व कप में एक बार फिर राजनीतिक संदेश फैलाने की घटना सामने आई है। इस बार यह घटना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के दौरान हुई। एल्बिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच के दौरान स्टेडियम के ऊपर से एक विमान निकला। इस पर एक बैनर टंगा था और उस पर लिखा था, विश्व को बलूचिस्तान के लिए आवाज उठानी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।